साथ IBPS क्लर्क 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आपके आने वाले दिसंबर में आपका IBPS क्लर्क का एग्जाम्स प्रीलिम्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें आपको पॉइंट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चंस आपको पॉइंट के प्रोवाइड करूंगी, 35 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के प्रोवाइड करूंगी एंड 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के प्रोवाइड करूंगी। तो ये किस तरह से आपको प्रोवाइड होंगे ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को भी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं, विद आपको मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी। इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इन क्वेश्चंस की, किस तरह से आपकी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में आपके IBPS क्लर्क का क्वेश्चन पेपर किस तरह से कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। यहाँ पर आपको मेंशन किए गए पॉइंट के आपको 35 क्वेश्चंस मेंशन किए गए। क्वेश्चन वन से आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर नंबर सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि है मिसिंग नंबर सीरीज। ये आपको 1-5 क्वेश्चंस आपको नंबर सीरीज़ के क्वांट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे एंड उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है किस तरह से आपकी नंबर सीरीज सॉल्व होती है। अब पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर आपके ऑप्शंस गलत हैं तो आप एक्सप्लेनेशंस को देखकर अपने क्वेश्चंस को दोबारा से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से आपका स्टार्ट है अर्थमेटिक, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत ही मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड यहाँ पर क्वेश्चन 8 भी आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन 9 भी आपका अर्थमेटिक से रिलेटेड है एंड आपको साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन भी दिया गया है। क्वेश्चन 10 भी आपका अर्थमेटिक यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कैंडिडेट्स, 11 क्वेश्चंस भी अर्थमेटिक से रिलेटेड है एंड 12 भी, उसके बाद 13 क्वेश्चन भी, 14 भी एंड आपका 15 क्वेश्चन भी अर्थमेटिक से ही रिलेटेड है विद एक्सप्लेनेशन। यानी कि क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 15 तक आपके वर्ड प्रॉब्लम 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अर्थमेटिक के प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन, ताकि आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है क्वेश्चन 16 में, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। इसमें भी आप डाटा को देखकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 से आपके ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं डाटा इंटरप्रिटेशंस वाले एंड यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशंस ये भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन 20 भी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन 21 प्रोवाइड किया गया है, जो कि है आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। इसमें आपको मेंशन किया गया होगा कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है उसकी प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 भी आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है विद एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है, ऑप्शन भी आपको दिया गया है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, 23 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है एंड उसके बाद 24 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, 25 यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं वो सारे आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, 29 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन 30 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है एंड 31 आपका सिंप्लीफिकेशन है, 32 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है एंड यहाँ पर 33 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, 34 भी सिंप्लीफिकेशन है एंड 35 भी आपका सिंप्लीफिकेशन है। 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 5 आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 10 वर्ड प्रॉब्लम्स एंड आपको 5 नंबर सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें क्वाड्रेटिक भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं की गई है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक की भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक यहाँ पर मेंशन की जाएगी तो आपके सिंप्लीफिकेशन को कम कर दिया जाएगा, यानी कि 10 आपके सिंप्लीफिकेशन है तो अगर क्वाड्रेटिक आपकी आ जाती है कैंडिडेट्स तो आपके 5 सिंप्लीफिकेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग नेक्स्ट आपको मेंशन की गई, इसमें भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। इस रीजनिंग के सेक्शन में आपको 36 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इनइक्वालिटी मेंशन की गई है, इनइक्वालिटी आपकी 5 क्वेश्चन से रिलेटेड आती है रीजनिंग में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस मैंने अपने चैनल पर आपको करवाई हुई है कैंडिडेट्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए।
बस सिर्फ 5 सेकंड्स में ही आपके ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल की होती है। 36 to 40 यहाँ पर आपको इनइक्वालिटी मेंशन की गई है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपके इनइक्वालिटी से मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक पज़ल दी गई है जो कि आपकी 41 से रिलेटेड पज़ल है। 41 से रिलेटेड आपको सर्कल पज़ल दी गई है, इससे भी रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 41, 42, 43, 44 एंड आपका 45 क्वेश्चंस भी आपका पज़ल से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर मेंशन किया गया है 46 क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंशन किए गए, इसमें आपको ढूंढना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है जो आपको 46 क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ये एलिमेंट सीरीज आपको मेंशन की गई है। एलिमेंट सीरीज से भी रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, 47, 48, 49 एंड आपकी 50 जो भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे एलिमेंट सीरीज यानी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से रिलेटेड है। 5 मार्क्स आपके इसमें भी आ सकते हैं। ये भी इसके भी रिलेटेड आपको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने अपने चैनल पर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की भी वीडियोस अपलोड की है। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए एंड वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। बस कुछ ही सेकंड्स में आगे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको 51 से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपकी पज़ल दी गई है। नेक्स्ट पज़ल से रिलेटेड भी आपके 51 एंड यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं। 52 क्वेश्चन नंबर 53, 54 एंड 55 इस तरह से आपको पज़ल सॉल्व करनी है एंड इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया 55 क्वेश्चंस भी आपका पज़ल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया 56 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में आपको मेंशन किया गया है। इसी तरह से आपको अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में मेंशन की जाएगी, इन पज़ल्स में आपको मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो मेंशन किए गए 57 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ये नंबर्स। इफ़ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर इंटरचेंजिंग, ये क्वेश्चन आपको 57 में मेंशन किया गया। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करने पर क्या आता है, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को जब आप प्लस करते हैं उसके बाद आपको क्या आता है, ये इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 58 क्वेश्चंस भी यही है, 59 क्वेश्चन एंड उसके बाद आपके 60 क्वेश्चन इसी तरह से मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका 61 से रिलेटेड जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये दोबारा से आपकी एक पज़ल मेंशन की गई है जो कि है 7 पीपल से रिलेटेड। यहाँ पर पीपल के नेम आपको ABCD करके दिए गए हैं, विद आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको मेंशन की गई है एंड उसके सब्जेक्ट्स भी आपको क्वेश्चन में मेंशन की गई जो कि आपको पज़ल सॉल्व करनी है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। अगर पहले आप पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आपकी कैंडिडेट्स पज़ल नहीं बन रही है तो फिर आप आंसर्स देख सकते हैं, पर आप पहले क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसके बाद ही आप पज़ल पर मूव कीजिए। इसी तरह से आपके यहाँ पर टोटल आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे 36 to 70 क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो फर्स्ट आपका पूरा पैसेज दिया गया है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पैसेज से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद आपका मेंशन किया गया है 81 क्वेश्चन जो आपका दिया जाएगा, उसमें आपको ईच सेंटेंस को रीड करना है एंड उसके बाद आपको ग्रामेटिकली एरर ढूंढना है। एरर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपके एरर डिटेक्शन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, यानी जैसे आपको डेली बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एंड आपको क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एरर डिटेक्शन के बाद यहाँ पर 86 जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मेंशन किया गया एथलीट्स टू वेरियस, यहाँ पर वही क्वेश्चन है जिसमें आपको एरर ढूंढना है। ये एरर यहाँ पर आपके 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के आ सकते हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर में जाकर ही आपको पता चलेगा। अगर आपके 10 मार्क्स के एरर नहीं आते हैं तो आपको 5 मार्क्स में कुछ और ग्रामेटिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 91 में फिलअप्स भी मिलेंगे। फिलअप्स आपके यहाँ पर IBPS क्लर्क में सिर्फ 1
फिलअप्स ही आएगा, टू कॉलम वाले फिलअप नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे अगर आपकी फिलअप्स की प्रैक्टिस अच्छी है तो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 तक आप देख सकते हैं फिलअप्स आपको मेंशन किए जाएंगे। 96 से रिलेटेड आपको क्लोज टेस्ट दिया जाएगा, 96 टू 100 आपको क्लोज टेस्ट, आपके 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से रिलेटेड होंगे जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये पूरा पेपर जो कि 2018 में आपका IBPS क्लर्क में पूछा गया था, ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड मैंने आपको कहा था कि 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 30 क्वेश्चन इंग्लिश के मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो किस तरह से ये प्रोवाइड करूँगी, मैंने आपको कहा था कैंडिडेट्स की वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी। तो ये क्वेश्चन आपको, ये पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड इस PDF का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा एंड उस लिंक को आपको क्लिक करना है। एंड इस लिंक का आपका PDF को क्लिक करना है, आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। एंड IBPS क्लर्क से रिलेटेड ये आप पूरा का पूरा PDF की मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, विद आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना हो। एंड आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आंसर चेकआउट कर सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का स्कोर किया है। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मोस्ट यूजफुल वीडियो है एंड मोस्ट यूजफुल PDF है आपके लिए। तो किस तरह से ये वीडियो आप, किस तरह से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। ज़रूर से ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिएगा एंड इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।